Hello and you're watching Claptrap. We are back again. एक बार फिर से आपका स्वागत है. We have been professing in previous videos as well that making a space is not just about creating four walls or constructing ceiling. Not limited to a very endless flooring, but also involves a lot of storytelling. And to tell a story or to narrate it right, you need to have a designer in place. Let's begin with the introduction of a writer. Hello, Sunny ji. Hello, sir. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर. Welcome back to Claptrap. Thank you, sir. ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो ऑब्वियसली कोई बड़े प्रोजेक्ट के साथ हमें आए होंगे डेफिनेटली. ओके, सो वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमारा एक कल्चर है कि क्या नाम है कंपनी का और बेसिक अपना फोर्टे क्या है. सर, कंपनी का नाम है फैंटनी डिज़ाइंस. आई एम आर्किटेक्ट सनी गुप्ता जी. ठीक है सर. और ये भी हमारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर ही हैं जिनका घर है. अच्छा, तो ये आज आपको दिखाएंगे सर. और हमारे हिसाब से बहुत ही एक्सक्लूसिव घर है. यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग अलग टाइप की थी. आज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे दीवार पे अप्रोक्सीमेटली 300 kg का टाइगर. और 300 kg का टाइगर जी. आपको इसमें लाइव पॉन्ड दिखाएंगे घर के इनसाइड जी. जी आपको एक इसके अंदर हम वुडन अम्ब्रेला काइंड ऑफ सीलिंग, कैथीड्रल टाइप ऑफ सीलिंग दिखाएंगे जी. उसका वेट होगा अप्रोक्सीमेटली 1 ton. अच्छा सर. ऑलराइट, सो तीन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा. डिज़ाइन तो ऑफ कोर्स आपके साथ होता ही है. द नेम ऑफ द कंपनी इज ऑलरेडी मेंशन्ड. तीन चीज़ों के ऊपर जो फोकस होगा उसमें डिज़ाइन जो कि आपका फोर्टे है जी. दूसरा होगा हमारा किस तरह के मटेरियल हैं जो यूज़ हुए हैं जी. और एक खास चीज़ है जो हमेशा लैग करती है मतलब डिज़ाइन इंडस्ट्री में, वो है फिनिशिंग को लेके. लोग उसको बहुत डिटेल से नहीं देख पाते जी. तो आज हम ऐसे देखेंगे कि उन मटेरियल को आपने कैसे यूज़ किया है और वो किस तरह से एक अलग तरह के लेवल की एक फिनिश अचीव की है आपको. आपको आज बहुत सारी डिटेल देखने के लिए मिलेगी. और वर्कमैनशिप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको वर्कमैनशिप भी मैं जहाँ पे कोशिश हो पाएगी वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड राइट टू गेट दीज फिनिशेस राइट. चलिए starting part 2 now and Sunny ji is waiting for us. This is what you have seen already in previous episode and where we go. Here Hello, we go. Sir. Hello. Okay, so beautiful. Thank you. I remember sir. Last time पिछले episode में हमने इसको properly reveal नहीं किया था और आपने बहुत restrict भी कर दिया था हमको कि इसको reveal नहीं करना है. चलिए, so let's start now. ये स्पेस क्या है, क्या इसकी फंक्शनलिटी है और क्या इसके पीछे हमारे सर देखिए, ये जो है ये लिविंग रूम है जी. जैसे पहले हमने ड्राइंग रूम देखा था, ये लिविंग रूम है. सो दैट कि आप यहाँ पर कैजुअली भी बैठ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं. जो उस तरीके का हमने ये रूम डिजाइन किया जी. और इसमें आप जैसे ओवरऑल देख लें पूरा डबल हाइट है सर जी. तो ये डबल हाइटेड हमने रखा हुआ है जी. इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 23 feet है. 23 feet जी. अब जैसे इसका ये मेन फीचर डबल हाइट वॉल जी, जो आप देख ही रहे हैं बहुत ही एक्सक्लूसिव है. मुझे नहीं लगता कि सर ये डिज़ाइन किसी ने भी कभी भी बनाया होगा पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड में कह सकता हूँ सर मैं तो. अच्छा कि सर नहीं बनाया होगा. ओके, सो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट. आई कैन सी लॉट ऑफ एनिमल, देयर इज अ टच ऑफ वाइल्ड लाइफ एवरीवेयर. ओके, सो इज हियर, दिस इज अ फीचर वॉल. अब मुझे इसका टेक्निकलिटीज बता, क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी. Let's share that story. सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा. देखिए, ये हमने मार्बल लगा रखा है, ठीक है. ये ब्लैक मार्किनो मार्बल है और इसके अंदर ये हमने कोव लाइट दी हुई है सर जी. ये इसके ऊपर अगेन लोअर के पैनल्स हैं जो थ्रू आउट ऊपर तक चल रहे हैं सर. ठीक है सर. इसके पीछे एक मेन वॉल है, ठीक है सर. और ये जो आप इसमें ये जो तीन टाइगर देख रहे हैं, एक्चुअली जो हमारी थीम है, मतलब क्योंकि टाइगर्स थे तो हमें लगा यार थोड़ा सा मतलब ऐसा ना लगे, तो हमने इसके साथ प्ले करने की कोशिश की. जैसे हम, आपने देखा होगा सर, बचपन में वीडियो गेम खेलते थे तो शेर इधर से जाता था, दूसरी जगह से निकलता था. बिल्कुल. तो सर वही थी मैं, देखिए शेर वहां से निकला और यहाँ से निकला. अच्छा, वहां से गया. हाँ. उस जगह से गया और यहाँ से निकला. Right. तो जैसे वो पीसी मैन करके एक मुझे गेम याद है सर, हम इसी तरीके का गेम खेला करते थे. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें वो इसी तरीके से, तो ये एक तरीके से टाइगर आपस में प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इसमें थीम है. बाकी अगर आप ये टाइगर देखें तो जिसमें ये बड़ा वाला सिंगल पीस जो कंप्लीट पीस टाइगर है, इसका अप्रोक्सीमेट वेस 300 kg है. 300 kg. हाँ जी सर.
सिंगल स्टोन में बना हुआ है, सिंगल स्टोन हमारा इंडियन पिंक मकराना में बना हुआ है सर ये। तो इसको सर पेस्ट कैसे किया, एक छोटा सा पहले बात बता दें, एक तो ये थीम का इंटेंशन, क्योंकि हम डिजाइन पे भी बात कर रहे हैं, पूरा थोड़ा सा टच ऑफ रोबोटो कवाली एनिमल वाइल्ड लाइफ है इसमें। आई नो यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, सो एम आई, दिस इज वन। सो ब्लैक एंड हमारा पूरा वाइन कलर विद ब्लैक इज आवर थीम, राइट। अब आप बात कर रहे थे ये इतना हैवी है, इसको कैसे पेस्ट किया गया है? सर अगर आप देखेंगे तो ये जो ये टाइगर है इसके पीछे थ्रू आउट हमने एक पूरा का पूरा मेटल का पाइप डाला हुआ है, लोहे का पाइप जी। उस पाइप में हमने, उस पाइप को सबसे पहले हमने जगह जगह से वॉल के अंदर हमने उसके अंदर फास्टनर किया हुआ है। अच्छा। उसके फास्टनर करने के बाद फिर उसमें से कुछ ऐसे फास्टनर छोड़े जिनके ऊपर ये टाइगर फिक्स हुआ हुआ है। ओके। और फिक्स होने के साथ में इसमें एक इम्पोर्टेंट हमारा केमिकल भी है, उससे पेस्ट भी हुआ है। ठीक है जी। और आप ये समझें कि इसके लिए इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट सर, 300 kg 20 feet ऊपर उठाना, इट इज इट सेल्फ ए टास्क, स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म की डेफिशिएंसी है। सर देखिए ये मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर ये ना स्पेस का चैलेंज है, यहाँ पे कोई लिफ्ट तो आ नहीं सकती सर, आप समझिए। तो हमें जो भी काम करना है हाथ से ही करना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था जब हम इसको डिजाइन कर रहे थे। बट लेकिन क्लाइंट का सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ही बात थी कि मेरा डबल हाइट का जो भी वॉल बननी चाहिए वो ऐसी बननी चाहिए जो वाव फीचर होना चाहिए मेरे घर का। ठीक बात है। हमने कहा जी बिल्कुल बनाएंगे, वही बनाएंगे। चलिए। और सच में हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ा लेकिन ठीक है, बना तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। सही बात है। ओके सो क्योंकि अब फंक्शनलिटी की बात करेंगे, एल कॉर्नर है क्योंकि लिविंग रूम है, यहाँ पे टेलीविजन का स्कोप है, इनकेस फ्यूचर में यहाँ पे आप टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि लिविंग रूम है ये जी। ओके और नेचर के बहुत सारे एलिमेंट और भी हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अलावा भी देखें तो आई कैन सी लॉट ऑफ शी शेल्स। हाँ सर ये आप देखेंगे फिलीपींस की टेबल है। अच्छा। और इसमें जितने भी आप ये देख रहे हैं ओरिजिनल सी शेल्स हैं जी। और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि सबके सब सेम साइज के हैं। अच्छा जी। ये काफी हाई एंड प्रोडक्ट में आता है जी। करेक्ट है। और अब फर्नीचर की बात करेंगे। सर आप ओवरऑल अगर एस्थेटिक देखेंगे तो यहाँ पर ये हमने पीछे मिरर दिया है। ठीक है। मिरर में भी आप देख लेंगे, अगेन पूरा राउंड मिरर है, काफी बड़ा साइज का मिरर है, बहुत अच्छा दिखता है। और 6 feet by 6 feet का इसका ओवरऑल फ्रेम है, वो भी अगेन रेड ओक वुड में है। ठीक है सर। और उसके साथ में ये एल टाइप का सोफा है, 100% लेदर सोफा है ये, इटालियन सोफा है सर ये। तो ये और इसके साथ में जो आप लेफ्ट राइट में जो आप देख रहे हैं वार्डरोब देख रहे हैं, दीज आर दीज स्पेस फॉर आप कह सकते हैं बार। अच्छा बार जी। ये हमने बार के लिए बनाई है स्टोरेज। और उसी के साथ में आप देखेंगे तो ये कंसोल हमने दिया हुआ है। इस कंसोल में देखिए ब्यूटीफुल डिटेल सर, ये लाइव एच पूरा का पूरा ये ग्रेनाइट है सर, 40 mm का। अच्छा। और ये भी ग्रेनाइट है, आप देखिए इसके अंदर बहुत अच्छा सा गोल्डन शिमर नजर आता है पत्थर पे। चलिए कुछ थोड़ा सा इसके थीम के बारे में भी हमको बता दीजिए कि वो जब आपने डिजाइन कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या था? देखिए हमारा तो ओवरऑल जो घर का था वो एक ही थीम रखना था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बता दिया था कि भाई वी आर नेचर लवर, तो हमें नेचर रिलेटेड उसी तरीके की चीजें पसंद है जी। तो हमने उसी को थीम में माइंड में रखा और उसी के हिसाब से हमने सब कुछ डिजाइन किया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छा था, तो हमने बड़ा ब्लंटली ब्लैक कलर को यूज किया, जबकि हम काफी अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास स्पेस बहुत था तो हमारे को कलर से रिलेटेड, तो इसलिए हम ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर भी अगर आप देखेंगे तो हमने रस्टिक फिनिश में यूज किया यहाँ पे, जैसे आप सारा का सारा देख ही रहे। और फिर हमने जैसे टाइगर यूज किए तो फिर हमने आप ये ओवरऑल ऊपर तक आप लूअर्स देख रहे हैं, इन लूअर्स की जो हाइट है ये भी 20 feet है। अच्छा। तो ये लूअर्स आप जो ये जो देख रहे हैं इसके अंदर में हमने ये रेड कलर यूज किया। ठीक है डन। वेयर आर वी गोइंग नाउ, अभी क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे आपको एक गेस्ट बेडरूम। चलिए ठीक है डन। जिन लोगों ने पिछले एपिसोड मिस कर दिया उनको दिखा दें, ये था हमारा डाइनिंग स्पेस राइट। चलिए लेट्स गो टू द गेस्ट बेडरूम नाउ। सर ये गेस्ट बेडरूम है सर जी। अब आप इसमें देख रहेंगे तो ये जो गेस्ट बेडरूम था हमने इसमें बिल्कुल ही लेटेस्ट डिजाइन इसको करने की कोशिश की। सर ये पूरी वॉल है सर, इसके पीछे बाथरूम है, तो इसके साथ ही हमने कंसील डोर लगाया है। कंसील डोर में अगेन जैसे वो हमारी स्पेशलिटी है, जैसे इसके अंदर हिंजेस नजर नहीं आते हैं जी। तो और ये बेड का पूरा बेड है, ये 100% लेदर है, देखिए सारा मुल्ताना लेदर है, और उसके साथ ये सारी ब्रास की स्ट्रिप्स है। चलिए अब आप देखिए ये जो ब्रास की स्ट्रिप्स है वो देखिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पत्ती चिपका देते हैं। ठीक बात है। तो निकलती रहती है, ये यू है, प्रोफाइल है, यू प्रोफाइल है, ये नहीं निकलेगी। अच्छा जी।
यही खासियत है कि देखिए दिस इज कॉल्ड वर्कमैनशिप जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं सर। बिल्कुल। अब आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये बाउंस नहीं आता जनरली लोगों को। अभी बाउंस आने के लिए इसमें 3 इंच की फॉर्म लगानी पड़ती है, पहले 2 इंच, फिर उसके ऊपर 1 टक इन करके 1 इंच की फॉर्म लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये बाउंस आता है। इस तरीके का इतना अच्छा बाउंस आता है आपको, पूरा ओवरऑल मिलता है। चलिए, और ये पूरे का पूरा आप देखेंगे इसके अंदर सारा का सारा हमने विनियर लगाया है। विनियर में भी आगे आप देखेंगे तो ऊपर भी हमने थोड़ा सा ब्रास पैनलिंग का काम दिया है ओवरऑल डिजाइन के एस्थेटिक के लिए। चलिए, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव सेड, चलिए 2-3 बार मैंने इसलिए बोला कि आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लर्न फ्यू ट्रिक्स हियर कि आपके पास जब स्पेस कम है, फॉर एग्जांपल ये रूम कितना साइज का रहा? ये रूम हमारा वैसे तो 12x9.5 का है। ठीक है, तो आप एक हेड, जो अपना हेडबोर्ड है बेड का, मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा कि सेम वॉल में मर्ज कर दें, अदरवाइज ये रूम और छोटा दिखता। दूसरा, वर्टिकल लाइंस दे दें, आपका रूम बड़ा दिखाई देगा। थर्ड, अगर आपके पास कोई डोर है तो कैमोफ्लेज करके उसको आप हाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑब्नॉक्शियसली अलग कलर का ना करें तो खराब दिखाई देगा। राइट, ओके। अब मुझे बताएं ये यूनिट क्या पर्पस है यहाँ पे, जो कि फर्नीचर? सही बात तो सर ये है कि वो थोड़ा सा अभी क्योंकि न्यूली शिफ्ट हुए हैं, ये यूनिट तो वैसे दूसरी जगह का, ये बास अच्छा, का यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे रखा होगा, बट ये यहाँ से शिफ्ट हो गए। चलिए, उसके बाद ये एक ओवरऑल एक ये टीवी यूनिट है, तो जैसे आप देख ही रहे हैं इसके अंदर हमने पूरा टीवी यूनिट बनाया है स्टोरेज के साथ में जी, और इसको हमने थोड़ा सा अगेन थीम से मैच करने के लिए ये इसके ऊपर आप ये जो पिंस देख रहे हैं ये भी ब्रास के पिंस हमने इसमें यूज किए हैं। चलिए, बहुत स्लीक सा इसके अंदर एक टीवी यूनिट है। और नेचर के एलिमेंट की बात हम जैसे बाहर भी कर रहे थे, मेन रूम में भी कर रहे थे, मतलब वाइल्ड लाइफ है, एनिमल है, स्किन है, डॉट्स हैं, ग्रीनरी है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। इवन जो वेनियर है वो भी दैट गोज विद द थीम। राइट सर, राइट। इसमें सर एक चीज बता दें मुझे कि पॉइंटेड आप सीलिंग न करके इसमें कर्व्स हैं जो पीओपी का काम किया है, एनी स्पेसिफिक रीजन इसका? सर इसका कोई रीजन नहीं है, बस ये था कि बस ठीक है, हमें थोड़ी मोनोटोनस सीलिंग सब जगह पे हमने इस तरीके की थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की। अच्छा, चलिए ठीक है, सब जगह पर ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए, हर बार लॉजिक नहीं होता, समटाइम्स यू गो विद द फ्लो। ओके, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा, बड़ी अच्छी हमने 2 लाइट यहाँ पे वॉल लाइट यूज किए हैं जी, ये एज ए नाइट लैम्प काम करते हैं। अच्छा, आपके पूरा अगर आपका पूरा रूम बंद है तो देखिए हमने इनका प्लेसमेंट इस तरीके का है कि आप एज ए नाइट लैम्प यूज कर सकते हैं। अब हम आपको इसका बाथरूम दिखाते हैं जी। जी, बेडरूम जो था उसमें थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा मटेरियल हम लगाने की कोशिश करते हैं, जो गेस्ट बेडरूम है ऑब्वियसली अच्छा तो उसमें भी मटेरियल लगाते हैं सर, डिपेंड्स अपॉन बजट टू बजट, फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। गेस्ट बेडरूम के जो जो मास्टर बेडरूम के कंपैरेटिवली इनके वॉशरूम कम यूज होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो मटेरियल भी यूज कर सकते हैं जो जल्दी आपको पता है बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे तो? नहीं सर, ऐसा तो हम खैर नहीं करते, क्योंकि देखिए आप अगर सैनिटरी में कोई भी अगर इंफीरियर क्वालिटी लगा देंगे तो फिर वो यूज ही नहीं हो पाती। ठीक बात, मतलब अगर फंक्शनैलिटी ही ठीक नहीं है तो फिर तो आप सोचिए ना गेस्ट क्या बोलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बात ठीक है जी सर। ऑलराइट, सो अब हम बात करेंगे टिपिकल इटालियन कलर, एवोकाडो ग्रीन इज इन दीज डेज आई कैन सी फॉसेट। ये बहुत सारे लोग हैं, इसको आपने स्टोन में बनाया कि माइका में? नहीं, इटालियन स्टोन है सर ये, ब्लैक मार्किनो स्टोन है ये। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वॉशरूम बहुत बड़ा था तो ये हमने पूरा का पूरा स्टोरेज दिया है, क्योंकि जैसे हमने रूम में दिखाया था रूम में स्टोरेज कम था, तो यहाँ पे ये हमने पूरा का पूरा वार्डरोब दे दिया है जी। और वार्डरोब के साथ में आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेसेस है जहाँ पे आप बहुत सारी अपनी वॉशरूम की एक्सेसरीज रख सकते हैं, और फिर अगेन एक वार्डरोब है यहाँ पर तो ये। और ओवरऑल आप जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं तो ये वैनिटी भी है, वैनिटी में भी अच्छा खासा स्टोरेज है। सो आपका जितना भी आपका इस तरीके का आइटम है स्टोरेज वाला, एम्प्टी स्टोरेज बहुत सारा है। उसके बाद ये मानते हैं सर कि मास्टर बेडरूम सॉरी गेस्ट बेडरूम, गेस्ट के जो रूम होते हैं, गेस्ट रूम्स होते हैं, उनमें आप स्टोरेज अच्छे बनाएं क्योंकि आप अपना स्टोरेज की तरह भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बहुत सारे लोग सोचते हैं गेस्ट बेडरूम है इसमें अलमीरा की जरूरत नहीं है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं नहीं सर, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि देखिए आज की डेट के अंदर सभी हैं, जब भी दिल्ली एनसीआर में हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली स्टोरेज इज अ चैलेंज, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड स्पेस नहीं है, तो इसलिए स्टोरेज तो जितना ज्यादा बन जाए, क्योंकि एक घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता है उनको स्टोरेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल, तो उस हिसाब से जहां स्टोरेज बन सकता है तो वो तो हमें बनाना ही चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आप बात करते हैं सर टाइलिंग की, तो अब आप यहाँ पे देखिए वर्कमैनशिप देखिए, अब आप सर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, अब आपको ये टाइल का ये देखो, अब आपको यहाँ पे धार नजर ही नहीं आएगी। ये कैसे हम अचीव करते हैं, क्योंकि जनरली ये बहुत प्रॉब्लम आता है टाइल्स के सर, ये बहुत आराम आराम से शैम्फरिंग करनी पड़ती है टाइल की, और फिर दोनों को 45 डिग्री पे हमें पेस्ट करना पड़ता है, तभी जाकर के ये कॉर्नर बन पाता है जी। ये कॉर्नर है जैसे क्लाइंट को शायद ना भी दिख रहा हो, लेकिन ये कॉर्नर है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये कॉर्नर है,
अब आप एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर देखिए ये टाइल का जो प्रिंट है वही सेम प्रिंट आगे चलता जा रहा है। बिल्कुल, अगर ये टाइल 1 mm भी इधर उधर हो गई, इधर उधर हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए, तो ये सारा का सारा डिजाइन कट जाएगा। बिल्कुल, और ये देखिए ना, यहाँ से ये थ्रेड गया जी, वो ये वेज थ्रो आउट जा रही है जी। यही चीज प्रॉब्लम की वजह से हम कभी कभी लेज वॉल के ऊपर भी टाइल्स नहीं लगवाते, क्योंकि उनके जॉइंट बहुत गंदे दिखते हैं जी, है ना। अब आप ओवरऑल देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए थ्रू आउट आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा एक सिंगल पत्थर लगा हुआ है जी जी। और इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एंटी स्किड टाइल्स हमने फ्लोर पे लगाए हुए हैं, देखिए 100% मैचिंग है टाइल के साथ में, तो ये एंटी स्किड टाइल्स है। और ये हमने इसके अंदर एक नीच दे दी है जिसमें आप अपना सोप बेदिंग स्टेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो हमने दे दिया है सर। ग्लास जो है वो हाई मेंटेनेंस प्रोडक्ट होता है, स्पेशली बेदिंग एरियाज में इसको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली जब सेलाइन वाटर होता है जी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी हमारे पास नहीं है? नहीं है, हमने इसके ऊपर भी नाइनो कोटिंग की हुई है। अच्छा, बट क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी आपको ये स्टेन नजर आ रहा है ये भी इस वजह से कि ये थोड़ा सा सफाई नहीं की हुई है, अदरवाइज इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल अगर हफ्ते में 10 दिन में एक बार सफाई कर देंगे तो ये हमेशा साफ रहेंगे। इसके ऊपर नाइनो कोटिंग हुई हुई है ग्लास के ऊपर में। चलिए, और ये हमारी ये जो है ये अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये एल्युमिनियम के फुल सीलिंग हाइट अप पार्टीशंस आने लग गए हैं। पहले ये लो हाइट आते थे बट अब ये फुल हाइट आने लग गए हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता है। ठीक बात है। ऑलराइट, जब इनके डोर्स होते हैं क्योंकि वॉशरूम में स्टीम होता है और फ्यूम्स होते हैं, पानी होता है, तो डोर्स के जो फ्रेम्स होते हैं क्या सेम फॉलो किए जा सकते हैं जो बाकी जगह होते हैं? जी, डोर सेम फॉलो किए जा सकते हैं बट उनके ऊपर जो पॉलिश के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, वो हमें वाटरप्रूफ ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है। देखिए ये हमारी पैसेज की वॉल है, अगर आप ओवरऑल अगर पैसेज की वॉल देखेंगे तो ये अगेन हमने विनियर लगाया हुआ है, इसके साथ टेक्सचर पेंट किया हुआ है, ये अगेन हमारा मोजैक हमने इसमें यूज किया है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राइंग रूम में जो कि न्यू क्लासिकल थीम पे है। एक ही, अच्छा ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम न्यू क्लासिकल थीम देखेंगे हम जी। सर, जो हमने अभी जिसका हम वीडियो शूट कर रहे हैं सर उसी करके फर्स्ट फ्लोर पे अब हम आपको ये ड्रॉइंग रूम दिखाते हैं। सुपर गुड, आइए। ओके, क्या पर्पज है दो ड्राइंग रूम क्यों, और वो ये पहले से भी इसका अपना अलग ब्यूटी है? सर ये अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर है और थोड़े टाइम बाद हम आपको इसके बेडरूम्स का भी एक और वीडियो दिखाएंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई नीड टू डिस्कस दिस। क्या थीम है सर ये? कम्प्लीटली सर न्यू क्लासिकल थीम है और आप ओवरऑल देखेंगे तो ये हमने पूरा का पूरा एल टाइप का इसके अंदर हमने वुडन पैनलिंग किया हुआ है। पर्पज, और आज क्वेश्चन पूछेंगे क्यों? सर आप ये देखें तो जो हमारा ये ड्राइंग रूम था क्योंकि इनको वुडन बहुत पसंद था और न्यू क्लासिकल हमारे को टेस्ट चाहिए था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सारा का सारा वुडन यूज किया। और आप देखेंगे यहाँ पे जितना भी फर्नीचर है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और सुपर हाई एंड फर्नीचर है जी, जो कि वन ऑफ अ स्टेटमेंट पीस। ठीक है, और यहाँ पे तो बाई चांस की बात है सब कुछ स्टेटमेंट पीस है। चलिए, माय फेवरेट स्पेस छोटा है, बहुत कुछ डिटेलिंग है यहाँ पे, आई कुड सी ब्यूटीफुल मोल्डिंग नेवर सीन बिफोर, प्योर वुड में, वी विल टॉक अबाउट द सीलिंग एज वेल, एंड ब्यूटीफुल एंटीक प्रोजेक्ट्स, एंटीक्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके ऊपर तक। सीलिंग इज द हाईलाइट, अनदर फोकल पॉइंट इज सीलिंग, व्हाट इज दिस स्टोरी? आप ओवरऑल देखेंगे तो सर पूरा वुडन सीलिंग है, वुडन सीलिंग होने के बाद फिर और हमने 4 इंच नीचे करके इसके अंदर कोव लाइट दे करके फिर हमने एक और वुडन सीलिंग दिया है, और वुडन सीलिंग में भी अगेन अगर आप सेंटर पैटर्न देखेंगे सर तो पूरा का पूरा इसके अंदर जो है हमारा, हमने आप देखेंगे बड़ा ब्यूटीफुल सा हमने इसके अंदर पैटर्न दिया हुआ है, तो ये हमारा इंडियन ट्रेडिशनल पैटर्न है और वही हमने पैटर्न इसमें यूज किया है, और सीलिंग में हमने स्पेसिफिकली ग्रीन कलर किया है और बिकॉज ये हमारा ईस्ट पार्ट है तो हमको बोला गया था कि थोड़ा सा हमें वो भी ध्यान देना, तो हमने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, हम तो वास्तु बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहते ही हैं। बिल्कुल, और आप खुद वास्तु कंप्लायंसेस को जानते हैं कि वास्तु के क्या कंप्लायंसेस होते हैं। क्विकली, सो हम समझ गए कि एल पैटर्न हमने इसलिए दिया है क्योंकि वॉल की अवेलेबिलिटी एल पैटर्न में है, इसलिए एल का मोल्डिंग है। एंटीक है बहुत सारे, तो हमारे आर्टवर्क भी सारे एक दूसरे से रिलेटेड है जी। न्यू क्लासिकल थीम मिक्स्ड है और ऑब्वियसली आर्चेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देख रहे हैं एक मेन एंट्रेंस पे आर्च है जी, और एक हमारे यहाँ पे 3 आर्चेस हैं जी। सर जैसे ही हम क्लासिकल की बात करेंगे तो सर हमें आपको आर्चेस पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये क्या टेक्सचर है जो हमने यहाँ पे किया है? सर ये अगेन सिर्फ नॉर्मल टेक्सचर पेंट है। अच्छा, और इसके पीछे एक्चुअली क्या था कि इनके पाइप के शाफ्ट जा रहे हैं।
अच्छा, तो उनको कंसील, हाँ जी उनको कंसील कर दिया हमने जी। अब हम बात करेंगे यहाँ के फर्नीचर के बारे में जी। सीटिंग अरेंजमेंट का प्लानिंग किसके बेसिस पे किया जाता है? सर सीटिंग अरेंजमेंट हम तो ऑब्वियसली ये है कि हम हमेशा से ये चाहते हैं कि सोफा हमेशा एक ही हो, ठीक है। तो जैसे अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमने एक 4 सीटर साइज का सोफा है, ये इन 11 फीट का सोफा है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, हाँ जी। और उसके साथ में दो देखेंगे दो ग्रैंड चेयर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका लाइन हेड्स, अगेन फिर दोबारा लाइन 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 टच ऑफ एलिमेंट हमें नेचर इज एवरीवेयर है ना। तो जब कस्टमर ने हमारे को एक चीज दे दी तो हम उसको जितना अच्छा से यूज करवाए, दूसरी बात उनकी पसंद ऐसी हो, कहते हैं ठीक है मुझे चाहिए। तो इस तरीके के डिजाइन बहुत पसंद है। अब अगेन अगर आप टेबल देखेंगे तो टेबल का लेग देखिए सर, बहुत ही ब्यूटीफुल लेग है, अगेन 100%। अब देखें उसमें कई सारी आर्चेज है एक ही लेग में जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये भी न्यू क्लासिकल थीम जी। इसमें ये जो स्टोन है इसको मैलाकाइट ग्रीन बोलते हैं जी, और जो ब्लैक है वो हमारा अपना इंडियन ग्रेनाइट है। और ओवरऑल आप पूरा का पूरा आप इसके ऊपर आप वर्कमैनशिप देखिए, इसमें कहीं पे आपको जोड़ नहीं नजर आएगा पत्थर में। ठीक बात है, ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं मैलाकाइट ग्रीन के और ब्लैक के साथ मिला के पूरा बनाया जाता है, लेकिन इसको आर्चेस में लगाना एक टास्क है सर। हमें 6 महीने लगे सर इस टेबल को बनाने में। डैम मैंने आपको बताया था ना सर कि इस घर का जो फर्नीचर है वो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। जैसे सभी घरों में आप देखेंगे जनरली एक एक या दो आइटम स्टेटमेंट होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट आइटम्स हैं। वेरी नाइस, दिस इज कमांड। देखिए जैसे हम बिल्कुल भूरे पड़े हैं, ये कस्टमर का बहुत ही प्राइस कलेक्शन है। ये समोवर है। अच्छा। और मैं कह तो नहीं सकता हाँ, लेकिन 100 मेरे हिसाब से 100 ईयर्स ओल्ड है समोवर। ये कश्मीर में यूज होता है सर, ये पानी पीने के लिए। हाँ जी पानी सर, चाय पीते हैं वो लोग सारे दिन। अच्छा, चाय के लिए जी। इसके अंदर में सर कोल रहता है और चारों तरफ पानी रहता है और इसके अंदर में हब्स रहते हैं। अच्छा। जो हब पानी में चलते रहते हैं और वो इससे टैप से लेते रहते हैं। वाओ, आई मीन ये तो अब देखने को भी नहीं मिलता। इनफैक्ट बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड में मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ने जगह ले रही है इनकी। जी चलिए इस वॉल की बात करें, यहाँ पे हमने थोड़ा वुड को और सेम टेक्सचर को अब देखिए अगेन सर, क्योंकि देखिए अगर सारा मोनोटोनिटी होती जाती, अगर हम सारा एक ही कलर लेकर के चलते तो देखिए हमने वहां पे सारा वुडन लिया है और अगर आप बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो कम्प्लीटली हमने क्रीम कलर यूज किया है जी। तो यहाँ पे हमने कुछ हमने थोड़ा सा स्टोन यूज किया है। अगर आप ओवरऑल अगेन सीलिंग पे देखेंगे तो सीलिंग पे भी उसी तरीके का है। प्लीज एंड इस वाली वॉल पे हमने वो दो वॉल के रेफरेंसेस लिए हुए जो लेफ्ट और राइट में हमारे जी, ठीक है। और अगर आप अपने ऊपर दिखाएं सर तो अगेन हमने इस पे एक्सटीरियर वाला वुड दिखाया है, एक्सटीरियर अच्छा। वाला वुड दिया है जी। ये एक्चुअली ये क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो हमने ये पूरा स्पेस अलग कर दिया है एक तरीके से ड्रॉइंग रूम से विद द हेल्प ऑफ फ्लोरिंग। विद द हेल्प ऑफ फ्लोरिंग, नीचे फ्लोरिंग भी वुडन है। अच्छा जी, ऐसा क्यों, मतलब एक सेंस ऑफ स्पेसिफिकली। हाँ ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाहर ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम का आउटसाइड फसाड है ये, ठीक है। तो ये हमारा ये था कि भाई आप यहाँ पर जैसे बैठे हुए हैं नॉर्मल, ये ड्राइंग रूम से एक अलग स्पेस भी है, ठीक है। उस तरीके का हमने इसको बनाने की कोशिश की है। चलिए, शैंडलियर का स्कोप नहीं था तो आपने कॉर्नर शैंडलियर दिया है यहाँ पे सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाइट नहीं थी, तो हमारे पास यहाँ पे हाइट नहीं थी तो हमने यहाँ पे सेंटर पे हमने शैंडलियर नहीं दिया, लेकिन आप देखें यहाँ पे हमने कॉर्नर बहुत ही अच्छी बिल्कुल ब्यूटीफुल लाइट, और सर मैं कह सकता हूँ मेक टू ऑर्डर है, ये शायद आपको बड़े इजीली मार्केट में नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है जी। चलिए एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। लेदर है ये पूरा 100% जेन्युइन लेदर है सर। ओके चलिए, टाइम प्लीज कम दिस साइड, कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं जो दोनों वीडियोस के लिए रेफरेंस में रहेंगे। नेम ऑफ कंपनी हमने ऑलरेडी बता दिया जी, कि नेम ऑफ द कंपनी इज फेंटिनी डिजाइन जी। आपका अपना इंस्टाग्राम पेज है, जितने प्रोजेक्ट आपने किए हैं वो सारे के सारे वहां पे देखे जा सकते हैं जी। इंट्रो में जनरली हम ये पूछा करते हैं सवाल जी, है ना जी, कि कितने प्रोजेक्ट आपने कर लिए होंगे। सर हमारी कंपनी ने रफली आज मेरे हिसाब से हमने 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं। और सब आप लग्जरी अपार्टमेंट किया करते हैं अभी भी? नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। लग्जरी अपार्टमेंट्स मतलब जनरली हम ये कहते हैं कि हम जो बेसिक अपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो आपको पता है कि सारे अपार्टमेंट्स की वीडियो बनाना बहुत टफ हो जाता है सर जी। तो जो जो हमारे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमने बिल्कुल नया काम किया है तो वहाँ वहाँ पे सर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं सर, हमारे व्यूवर्स को नई से नई चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए पैन इंडिया करते हैं जी, पैन इंडिया काम कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा पहले ये था क्योंकि हमारे पास टीम शॉर्ट थी और कोरोना की वजह से भी हमें को काफी दिक्कत आई थी, बट अब कोरोना वाला चैप्टर 100% क्लोज हो गया है, टीम 100% सॉर्ट आउट हो गई है, अब हमारी टीम भी बढ़ गई है। तो पहले हम क्या थे कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट तक प्रोजेक्ट ले रहे थे, बट अभी ऐसा कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है। किसी भी अमाउंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो, पैन इंडिया हो, कहीं पे भी हो, हमारी सर्विसेज अवेलेबल है
और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम सभी जगह पे प्रोजेक्ट्स अपने करें पैन इंडिया. ऑलराइट, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. फॉर मोर डिटेल्स आई रिक्वेस्ट ऑल द क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स टू प्लीज गो टू IG, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफ सनी जी कंपनी. यू विल गेट टू सी मिलियंस ऑफ डिजाइंस बिकॉज दे हैव एग्जीक्यूटेड थाउजेंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जी, एंड यू विल गेट टू सी एवरी सिंगल डिटेल ऑफ एवरी सिंगल प्रोजेक्ट. राइट सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.